हेलो 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 ओके 5.1 थर्ड सम देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, जब तक हम लोग एक फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम का। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, नाउ पैरेललोग्राम मतलब क्या रहता है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट रहता है। तो ये साइन दिया है मैंने, ए बी एंड सी डी ऑपोजिट है, ए डी एंड बी सी ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। नाउ अभी क्या दिया है देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो पेरीमीटर हम लोग क्या दिखेंगे? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन दी अदर बाय 25। उसके बाद क्या बोला है कि एक साइड, ठीक है, सपोज ये वाला साइड लेते हैं, बड़ा है दूसरा साइड से कितना? 25। तो छोटा साइड कितना है? नहीं मालूम। तो सपोज छोटा साइड हम लोगों ने एज्यूम किया एक्स, तो बड़ा कितना हो जाएगा? 25 ज्यादा, एक्स प्लस 25। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लेट स्टार्ट। छोटे वाले को हम लोगों ने एज्यूम किया एक्स। ठीक है, तो लेट ए बी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो बी सी क्या हो जाएगा? 25 बड़ा हो जाएगा। क्या बोला है इसमें? अदर साइड जो है एक 25 बड़ा है, तो बी सी को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? एक्स प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करना है दोनों का। ठीक है, ए बी एंड बी सी का लेंथ कितना है? सो पैरेललोग्राम मतलब ये चारों साइड्स। ठीक है, ये भी एक्स हो जाएगा, ऊपर वाला भी एक्स प्लस 25। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, देन बी सी एंड ए डी, ये दोनों इक्वल्स टू एक्स प्लस 25 सेंटीमीटर। रीजन, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या रहते हैं पैरेललोग्राम का? कॉन्ग्रेंट रहता है। ठीक है, यस। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन में दिया हुआ है हम लोगों को कि पेरीमीटर कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, पेरीमीटर मतलब क्या? चारों साइड को सम करेंगे। ठीक है, कितना बोला है? 150। नाउ ए बी, ए बी कितना है? एक्स। ठीक है, देन बी सी, बी सी कितना है? एक्स प्लस 25। देन सी डी, सी डी कितना है? एक्स। देन ए डी कितना है? एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू 150। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स चार बार हो गया, तो 4x प्लस 25 प्लस 25 50 इक्वल टू 150। नाउ 50 को राइट साइड में लेकर आएंगे माइनस। ठीक है, 100, 4 को यहाँ पर राइट में लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 25। ठीक है, मतलब ए बी मिल गया 25, सी डी मिल गया 25। ठीक है, ए बी एंड सी डी इज एक्स, दैट इज 25। समझा? नाउ बी सी, बी सी कितना है? एक्स प्लस 25। तो बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू एक्स प्लस 25। तो एक्स, एक्स की जगह में आ जाएगा 25 प्लस 25, दैट बिकम्स 50। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, लिखते वक्त हमेशा क्या करने का? लाइन से ऑर्डर में जाने का। पहला ये साइड, देन उसके बाद दिस साइड, देन दिस साइड, देन दिस साइड। सो 25 50 25 50। ओके, समझ में आया? 5.1 का फर्स्ट वन देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, नॉट डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टी। डायगोनल क्या करता है पैरेललोग्राम का? एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी डायगोनल कौन क्या होगा? एक्स एंड जेड हमारा एक डायगोनल होगा, डब्ल्यू एंड वाई एक डायगोनल होगा। ठीक है, तो दोनों को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया दोनों का बाइसेक, एंड कहां पर एक दो दोनों एक दूसरे को मिलता है? एट पॉइंट ओ। नाउ उसके बाद एंगल बोला है हम लोगों को, क्या बोला है? एक्स वाई जेड इज 135। ठीक है, एक्स वाई जेड मतलब ये वाला एंगल हो गया 135। ओके, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल? एक्स डब्ल्यू जेड। नाउ एक्स डब्ल्यू जेड मतलब ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, नाउ दिस, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कॉन्ग्रेंट होगा। अगर ये 135 है तो ये 135 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली मिल जाएगा आंसर। देन वाई जेड डब्ल्यू,
y z w, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। y एंड z एडजेसेंट एंगल्स होगा, ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होगा, वैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ओ वाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, फाइंड आउट करने बोला है डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू वाई क्या है, दिस एंड दिस, ये दोनों का हाफ ऑफ पार्ट, क्योंकि एक्स जेड क्या करता है, इसको बाइसेक करता है, बाइसेक मतलब दो इक्वल पार्ट में होगा, मतलब ओ वाई जितना है उतना ही ओ डब्ल्यू भी होगा, ठीक है। तो ओ वाई अगर 5 है तो ओ डब्ल्यू भी 5 होगा, एंड डब्ल्यू वाई पूरा कितना हो जाएगा, 5 + 5 = 10, ठीक है। नाउ लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं सम्स। सॉल्यूशन फर्स्ट, क्वाड्रिलेटरल WXYZ क्या है हमारा, पैरेललोग्राम, ठीक है, गिवन, ये लिखना हमेशा जरूरी है कि पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो पहला बताएंगे पैरेललोग्राम है, क्योंकि जब पैरेललोग्राम बताएंगे तभी हम लोग उसका प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओके, दिस एंड दिस, ये दोनों क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, समझ में आया, ठीक है। ये हम लोग क्यों लिख सकते हैं, ओके, ये हम लोग तभी लिख सकते हैं जब हम लोगों ने ये बताया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो एक्स वाई जेड कितना है, 135, तो अगर एक्स वाई जेड 135 है तो एक्स डब्ल्यू जेड भी क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, फर्स्ट वन हो गया, सेकंड वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। नाउ वाई एंड जेड क्या है, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल्स है, और एडजेसेंट एंगल्स क्या रहते हैं पैरेललोग्राम में, सप्लीमेंट्री, तो मैं ये बोलूंगा कि दोनों मिलाकर 180 है, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो वाई जेड वाई डब्ल्यू सेम एज इट इज, एक्स वाई जेड कितना मिला, 135 इक्वल्स टू 180, ठीक है, 135 को राइट साइड लेकर आते हैं, माइनस 45 डिग्री मिल गया सेकंड वन, समझ में आया सेकंड वन, ठीक है। नाउ उसके बाद अभी ये वाला पार्ट देखते हैं, डब्ल्यू वाई हम लोग को दिया हुआ है, ओके, नाउ लेंथ ओ वाई इज हाफ ऑफ डब्ल्यू वाई, क्यों, क्योंकि एक्स जेड क्या करता है, इसको बाइसेक करता है, ठीक है, रीजन, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक ईच अदर, समझ में आ गया, ठीक है। तो बाइसेक्टर है तो ये वाला पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पूरा डायगनल का आधा है, क्या बोल सकता हूँ, ये इतना सा लेंथ ये पूरा डायगनल का आधा है, ठीक है। तो लेंथ ओ वाई कितना है, 5 = ½ × W ना, अब ये 2 यहां पर राइट से लेफ्ट में लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई, ठीक है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 5.1 का सिक्स्थ वन देखते हैं, ना मार्क दिस सम्स एज इंपॉर्टेंट, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है, फिगर देखते हैं, ना PQRS एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर और एक छोटा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज ABCR, ठीक है। If P is 110, उसमें से जो बड़ा पैरेललोग्राम है उसका एक एंगल दिया 110, तो हम लोग को बोला है कि जो बचा हुआ एंगल्स है किसका, ABCR, मतलब ये छोटा पैरेललोग्राम, इसका हम लोगों को सारा एंगल्स बताना है, ठीक है। क्या बोला है, बड़ा पैरेललोग्राम का एक एंगल दिया हुआ है एंड छोटा पैरेललोग्राम का चारों एंगल्स निकालना। ना थोड़ी देर के हम लोग ये भूल जाते छोटा पैरेललोग्राम है करके, सिर्फ देखते हैं बड़ा पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है, P 110 है तो ये R 110 हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब R मिल गया 110, छोटा पैरेललोग्राम देखो ABCR, उसमें R मतलब सेम ही है, तो इसका मतलब R 110 मिल गया, तो B क्या हो जाएगा, 110 B मिल गया, ठीक है। नाउ A एंड R एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, ये 70 है तो सी भी 70 हो जाएगा, दैट्स इट, समझा, ओके। नाउ फर्स्ट एंगल पी इज 110, तो बड़ा पैरेललोग्राम, ठीक है, छोटा पैरेललोग्राम का सारा एंगल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट बड़ा पैरेललोग्राम लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है, देयरफॉर एंगल आर और एंगल पी क्या है, इक्वल है, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेस, ठीक है। सो एंगल पी कितना दिया, 110 दिया है, ठीक है, कितना है, बट एंगल पी इज 110, सो वी कैन से दैट एंगल आर विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 110, एक एंगल मिल गया। नाउ
इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। अभी छोटा पैरेललोग्राम देखते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। अब छोटा पैरेललोग्राम में आर का वैल्यू मिल गया है, ठीक है, तो बी क्या होगा उसके साथ इक्वल, तो मैं बोलूंगा कि बी एंड आर इज इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, बट आर मिल गया है, ठीक है, कितना 110, तो बी भी कितना हो जाएगा 110, समझा, फॉर्म फर्स्ट। नाउ अब सी को निकालते हैं, एंगल आर प्लस एंगल सी 180, एडजस्टेड एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल आर 110, सी नहीं मालूम, इक्वल टू 180, 110 को राइट में लेकर आ जाएंगे माइनस 70, ठीक है। नाउ सी मिल गया तो ए क्या हो जाएगा इक्वल, तो एंगल ए एंड सी इज इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, सो एंगल ए इज 70 डिग्री, समझा, तो चारों एंगल्स मिल गया हम लोगों को, ओके फाइन। नेक्स्ट सेवेंथ वन देखते हैं, मार्क करो इंपॉर्टेंट सम्स। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पॉइंट ई, ओके, यहां पर इज ऑन द रे ए बी, ठीक है, सच दैट बी ई एंड ए बी इज इक्वल, क्या बी ई एंड ए बी इक्वल है, ठीक है, मतलब ई जो है कितना दूरी पे लेना है, जितना ए बी का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे पॉइंट ई आएगा, दैट इज बी ई, ओके। देन प्रूव दैट लाइन ED, क्या लाइन ED bisect सेगमेंट BC, ठीक है, एट पॉइंट F, मतलब क्या बताना हम लोग को, BF एंड FC ये दोनों इक्वल है हम लोग को बताना, ठीक है। ED क्या कर रहा है, कट करता है यहां पर, ठीक है, पॉइंट F पे, तो वहां पर bisect फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या BF एंड FC दोनों इक्वल हम लोग को बताना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट ये दोनों इक्वल है, ठीक है, देन फिर उसके बाद प्रूफ करना है हम लोग को कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज डी ई, ई क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट करता है एट पॉइंट एफ, ठीक है, दैट इज प्रूफ क्या होना, ये रेड और ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बी एफ एंड एफ सी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रिलेटर एबीसीडी क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, गिवन ए बी एंड सी डी इक्वल, ठीक है, तो ए बी एंड सी डी को मैं बोलूंगा पैरेलल, ठीक है, बाद में इक्वल बताएंगे, ठीक है, तो ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल बाय डेफिनेशन, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या था, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, तो ये ए बी एंड सी डी क्या है, ऑपोजिट साइड है, एंड ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, रीजन बाय डेफिनेशन, ठीक है। साइड ए ई इज पैरेलल टू साइड डी सी, देखो ए बी के अंदर ही ए ई है, दोनों सेम ही है, एक ही लाइन में आ रहा है, तो अगर ए बी पैरेलल है तो ए ई भी पैरेलल हो सकता है, ओके, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही लाइन में है, ठीक है, मतलब ए डैश बी डैश ई, समझ में आ गया। नाउ अभी यहां पर ये बड़ा लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल है, हम लोग अगर इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं, इसको ईडी को, तो यहां पर ये जेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया, ठीक है, ऑन ट्रांसवर्सल ईडी, तो क्या होगा, ये देखो अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल्स, मतलब क्या, ए ई डी कॉन्ग्रेंट टू ई डी सी, समझ में आ रहा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रेंट, रीजन अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल हम लोग को कॉन्ग्रेंट मिल गया, ठीक है। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ अभी यहां पर ए ई डी था, बराबर, उसको मैं बी ई एफ भी बोल सकता हूं, ए ई डी एंड बी ई एफ दोनों सेम ही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है, ठीक है, तो ए डी की जगह मैंने बी एफ ले लिया, कॉन्ग्रेंट टू, देन
ई डी सी को मैं क्या कर सकता हूँ, एफ डी सी कर सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ। एंगल सेम ही है, एंगल चेंज नहीं किया है, सिर्फ नाम चेंज किया है मैंने, ठीक है, एंगल सेम ही है, ठीक है। रीजन ए डैश बी डैश ई एंड ई डैश एफ डैश डी, समझ में आ गया। ये तीनों एक ही लाइन में है पॉइंट, ये तीनों एक ही लाइन में, समझा। नाउ फर्स्ट, ओके, नाउ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ई, क्या सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ई गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। यहां पर देखो बी एंड ए बी इक्वल दिया है, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ले लिया इक्वल, फाइन गिवन। नाउ ए बी एंड सी डी भी इक्वल होगा, ठीक है, ए बी एंड सी डी भी इक्वल होगा, बराबर। सी डी एंड डी सी दोनों का मतलब सेम है। अगर ये दोनों भी अगर इक्वल हो गया, क्यों इक्वल होगा ये, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। नाउ ए बी के साथ सी डी इक्वल है, ए बी के साथ बी ई इक्वल है, मतलब ये दोनों क्या, बी ई एंड सी डी ए बी के साथ इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा, ओके। ये दोनों क्या है, ए बी के साथ ये दोनों भी इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल एक दूसरे के साथ। तो मैं बोलूंगा फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ बोथ द सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट विथ ए बी, आई विल से दैट बी ई एंड डी सी आर इक्वल, ठीक है, इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। रीजन फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। नाउ अब प्रूफ करते हैं ट्राइंगल को, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में हम लोगों ने ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रेंट बता दिया है, ठीक है, तो सेगमेंट बी ई कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट डी सी, ठीक है, फॉर्म फोर्थ। देन उसके बाद हम लोगों ने ये वाला एंगल बताया, ठीक है, दिस एंड दिस एंगल कॉन्ग्रेंट बताया था, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, तो एंगल बी एफ कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ डी सी, फॉर्म फर्स्ट, ठीक है, ये प्रीवियस पेज का है, ठीक है। नाउ अभी और एक एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा, आई विल से दैट बी एफ ई एंड कॉन्ग्रेंट टू सी एफ डी, डी एफ ई लिखेंगे, डी एफ सी लिखेंगे तो भी चले, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दैट फॉर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, रीजन बाय एस ए ए टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस। अब ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो बचा हुआ एलिमेंट्स कॉन्ग्रेंट बता सकते हैं, तो हम लोग ये बोलेंगे कि बी एफ, ठीक है, एंड सी एफ आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, हो गया ये प्रूफ। अब ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ये जो सेगमेंट है ये इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, सो दैरफॉर लाइन ई डी बाइसेक्ट सेगमेंट बी सी एट पॉइंट एक्स, समझा, ठीक है, या ओके। ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, क्या ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, किसका, पैरेललोग्राम का, तो इसका मतलब गिवन में क्या है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स, तो ऑपोजिट साइड मतलब क्या होगा, ए बी एंड सी डी, ठीक है, एंड बी सी एंड ए डी, ये हो गया साइड्स। नाउ एंगल्स, एंगल्स बी एंड डी, ठीक है, दैट इज बी को क्या करेंगे, ए बी सी बोलेंगे, डी को सी डी ए या तो ए डी सी, ठीक है, और ए एंड सी कॉन्ग्रेंट, एंगल बी ए डी एंड बी सी डी, ठीक है। नाउ फर्स्ट अभी प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, डायगनल हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये वाला डायगनल ड्रॉ करते हैं। अब ये डायगनल ड्रॉ करने से यहाँ पर दो ट्राइंगल बन गया, ठीक है, फाइन, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ठीक है, देन इसको अभी हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताते हैं एंड प्रूफ हो जाएगा। सो प्रूफ, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है गिवन, ठीक है, तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या था, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, कौन सा, ए बी एंड सी डी इज पैरेलल, ठीक है,
कैसे देखना है, यहाँ पर देखने का क्या लिखा है, ए बी एंड सी डी लिखा है तो वही पार्ट ले लेने का, ए बी एंड डी सी इज पैरेलल, ठीक है, याद हो गया पॉइंट, ओके। देन ये वाला क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, कौन ट्रांसवर्सल, ए सी, वहां पर अल्टरनेट एंगल्स बनेगा, तो ये दो अल्टरनेट एंगल्स है, तो मैं ये बोलूंगा कि बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ठीक है, ए सी डी और डी सी, नंबर वन अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। नाउ सेम उसी तरह नेक्स्ट, अब ये दो पैरेलल है, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा कि साइड बी सी पैरेलल टू साइड ए डी, ठीक है, रीजन, ठीक है, यहां पर रीजन लिखना है ऑपोजिट, ठीक है, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, समझा, बीसी और एडी पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ अभी वापस सेम ट्रांसवर्सल एसी लेते हैं, अभी यहां पर ये अल्टरनेट एंगल्स बनेगा, ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, बीसीए कॉन्ग्रेंट टू डीएसी, ठीक है। सेकेंड, तो अभी हम लोगों के पास दो एंगल कॉन्ग्रेंट मिल गया, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट, दिस एंगल एंड दिस एंगल कॉन्ग्रेंट, और ये कॉमन साइड, मतलब ए एस ए, ए एस ए से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट मिल गया, ठीक है। सो इन ट्राइंगल दिस एंड दिस कंपेयर करते हैं, ठीक है, फर्स्ट बी ए सी और ये कॉन्ग्रेंट मिला था, ठीक है, फॉर्म फर्स्ट, देन सेकेंड हम लोगों ने ये वाला कॉन्ग्रेंट बताया, ठीक है, सॉरी ये कॉमन साइड हम लोग का ए सी एंड ए सी कॉमन साइड, देन सेकेंड ये वाला प्रूफ किया था हम लोगों ने, बी सी ए एंड डी ए सी इज कॉन्ग्रेंट, फॉर्म सेकेंड, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय ए एस ए टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस। नाउ कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉन्ग्रेंट रहता है, ठीक है, तो हम लोग बताते हैं ए बी एंड सी डी कॉन्ग्रेंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, एज वेल एज बी सी एंड ए डी कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। प्रूफ क्या करना था, यही दो प्रूफ करना था हम लोग को, ठीक है, साइड कॉन्ग्रेंट हो गया प्रूफ, आया समझ में। नाउ एंगल्स भी हम लोग बताते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट, समझ में आया, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट, ओके, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। नाउ नेक्स्ट एंगल बी ए डी एंड पी सी डी, ये भी सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने ये प्रूफ किया था बी और डी, वैसे ही ये दोनों को भी हम लोग सिमिलरली बोलकर प्रूफ कर सकते हैं, मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है, दैट्स इट, समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों प्रूफ हम लोगों ने ट्राइंगल के मदद से किया, जो फोर्थ वाला है उसको सिमिलरली बता देंगे, सिमिलरली मतलब क्या, बीडी डायगनल लेकर हम लोग को बताना पड़ेगा, ओके, मतलब जैसा पूरा हम लोगों ने जो सम सॉल्व किया वैसे ही उसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिमिलरली बोल के प्रूफ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी देखा है हम लोगों ने, ठीक है, अब इसको प्रूफ भी करके बताते हैं कि डायगनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो फर्स्ट गिवन में क्या होगा, एबीसीडी पैरेललोग्राम, ठीक है, फाइन, देन ये दो डायगनल्स है, सेकेंड पॉइंट, दोनों डायगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट एम, तो लिखेंगे डायगनल ए सी एंड डायगनल बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, तो प्रूफ, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट मतलब क्या होगा, ए एम एंड एम सी इक्वल, ठीक है, एज वेल एज बी एम एंड डी एम इज इक्वल, समझ में आ रहा है क्या, ए एम एंड सी एम, ये जो पार्ट है ए एम एंड सी एम ये दोनों इक्वल है, एज वेल एज ये जो पार्ट है डी एम एंड बी एम ये भी क्या है, इक्वल है, हम लोग को प्रूफ करना है। फर्स्ट वन देखते हैं, दिस एंड दिस, इन दोनों को प्रूफ करने के लिए सेम हम लोग क्या करते हैं, ओके, ये ऊपर वाला एक ट्राइंगल बन गया है और नीचे वाला एक ट्राइंगल बन गया है, समझ में आ रहा है, ठीक है, देखो प्रूफ क्या था हम लोग के पास, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है क्या ए एम एंड सी एम ये बताना है कॉन्ग्रेंट, उसके बाद बी एम एंड डी एम, ठीक है, तो ये जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल का साइड्स दिख रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल के एलिमेंट्स है ये,
बराबर, ठीक है। अगर ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता दिए तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करके प्रूफ करते हैं, ठीक है। अभी इसमें ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएगा, ये दो ऑपोजिट साइड्स हो जाएगा, ठीक है। और एक एलिमेंट चाहिए हम लोग को, ठीक है। ये दोनों पैरेलल बता देंगे और इसको ट्रांसवर्स कर लेंगे, तो यहाँ पर ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। लेट्स सी फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्रांसवर्सल लेते हैं बीडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। समझ में आ रहा है? तो ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू सी डी बी, रीजन अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है फर्स्ट, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ठीक है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा नेम चेंजिंग कर देते हैं, ए बी डी के जगह में ए बी एम लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में सिर्फ ए बी एम पार्ट ही आएगा, ठीक है। देन सी डी बी था, ठीक है, सी डी बी के जगह में सी डी एम तक ही लेते हैं। समझ में आया? एंगल सेम ही है, सिर्फ क्या किया मैंने, नेम चेंज कर दिया, रीजन बी डैश एम डैश डी, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टार्ट कंपेयरिंग इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल सी एम डी, दोनों को कंपेयर करते हैं, साइड ए बी एंड साइड सी डी आर कॉन्ग्रेंट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देन ए बी एम एंड सी डी एम, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ऊपर प्रूफ किया है फॉर्म फर्स्ट, ठीक है। देन ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, तो ए एम बी कॉन्ग्रेंट टू सी एम डी, ठीक है। मतलब तीन एलिमेंट्स मिल गया, कौन सा मिला, साइड मिला, दो एंगल्स मिला, मतलब एस ए ए टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट। तो मैं प्रूफ करूंगा दैट ट्राइंगल ए एम बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी एम डी बाय एस ए ए टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये उसका करस्पॉन्डिंग साइड है, तो मैं ये बोलूंगा कि ए एम एंड सी एम इज कॉन्ग्रेंट एज वेल एज, ठीक है, बी एम एंड डी एम ये भी कॉन्ग्रेंट है, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ओके या